क्या करते हैं, अपना टॉपिक है आज का जो न्यू है, अंडरस्टैंड करेंगे इसको, सब लोग कंप्लीट अंडरस्टैंड करें। और टुडेज टॉपिक, टॉपिक का नाम देखिए पहले तो, मैं आपको स्टडी करवाऊंगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन अपना टॉपिक है आज। और ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड आपको जो बात देखनी है वो अच्छी तरह सुने। ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। जैसे नंबर वन हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे क्या, इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड, असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। Interchange of assertive and negative sentences, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ध्यान देंगे इस पॉइंट को, कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे आप। देखिए इंटरचेंज मीन्स ये मान के चलते, इंटरचेंज मीन्स असर्टिव टू नेगेटिव एंड बैक नेगेटिव टू असर्टिव, दोनों इसके अंदर आते हैं। ठीक है, देखिए असर्टिव सेंटेंस आप समझते हैं सभी लोग, असर्टिव सेंटेंस को आप ढंग से समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप होती है, मैं लिखू नीचे, आवाज की प्रॉब्लम क्या बता रही है भैया, अरे खुद चेक करिए आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सही चल रही है। देखिए असर्टिव में अपन बात करें, मैं लिखू अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो सबसे पहले जो छोटी क्लासेस की स्टडी है उस स्टडी में हमने देखा अफर्मेटिव टू नेगेटिव चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, टीचर क्या करता था या हम क्या करते, देखो आई एम स्पीकिंग क्लियर, ये बोला सपोज दैट, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमें कहते हैं चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, हमसे पहले हम कह देंगे आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग बन गया नेगेटिव। अब से पहले जो हमने स्टडी किया है अफर्मेटिव टू नेगेटिव वाली जो बात की है वो हमने यहां तक बात की, ठीक है, ये बात अब नहीं चलेगी। हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करिए विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स इसके
अफर्मेटिव को नेगेटिव में करेंगे तो नोट हमें दिखना चाहिए, नेगेटिव दिखना चाहिए, उसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे वह सच बोलता है, वह सच बोलता है, तो कोई कहे कि नेगेटिव ही चेंज करिए, तो हम क्या कहेंगे वह सच नहीं बोलता है, ये नेगेटिव नहीं है, वह सच बोलता है उसको नेगेटिव करेंगे, वह झूठ नहीं बोलता है, वह सच बोलता है को नेगेटिव में चेंज करने के लिए कहेंगे तो हम क्या कहेंगे वह झूठ नहीं बोलता है, इज इक्वल टू सच बोलता है। समझ आई क्या भाई, इंटरचेंज का मीनिंग क्या होता है उसको क्लियर करिए सभी लोग, कि अफर्मेटिव से नेगेटिव करने के लिए ये नहीं होता है कि वह सच बोलता है, कबला होता है झूठ बोलता है, उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया, वह सच नहीं बोलता है ना, वह सच बोलता है अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसकी जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसका रूप चेंज होना चाहिए, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशन बदलनी चाहिए, नेगेटिव दिखना चाहिए बस। तो वह सच बोलता है तो यहां लेकिन वो झूठ नहीं बोलता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। नंबर वन, ये तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, इसका जो पॉइंट मान लीजिए अफर्मेटिव टू नेगेटिव नंबर वन है, क्या है नंबर वन इसका रूप वो देखिए। बाय यूजिंग नॉट बिफोर ऑपोजिट, बिफोर ऑपोजिट, ये अपना पहला इसका रूल है, ऑपोजिट से पहले नॉट यूज करके जो वर्ड दे रखा है उस वर्ड का ऑपोजिट करेंगे और ऑपोजिट से पहले नॉट यूज करेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे हम करेंगे, यू चेक नाउ एग्जाम्पल देखिए, सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ध्यान देंगे सब लोग, न्यू टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको स्टडी करवा रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको आती ही नहीं है, तो जब हम कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे अपने मन से हम टॉपिक को क्रिएट करेंगे, आपको ओनली मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हेडिंग मिलेगी, लिखना खुद को है, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, सिंथेसिस करा और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए, 100% क्लियर होने चाहिए। देखिए सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में, आई अगेन रिपीट दिस कि नेगेटिव में चेंज करने के लिए आप पुरानी वाली बात को भूल जाइए, कौन सी वाली, सीता इज नॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल, नॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल, हम कर देंगे नेगेटिव हो गया जी, नहीं देखो सीता एक सुंदर लड़की है, तो सीता की सुंदरता में कोई भी नेगेटिवनेस नहीं आनी चाहिए, बट सेंटेंस में नॉट दिखना चाहिए, सेंटेंस में नॉट दिखना चाहिए, सीता सुंदर की सुंदर ही रहनी चाहिए। अब आप सोचिए क्या लिखेंगे इसके लिए, हम वो देखिए, पहले इसका नेगेटिव करिए, ब्यूटीफुल का नेगेटिव क्या हो गया, अगली ऑपोजिट हो गया ना, अगली, और इससे पहले नॉट यूज कर लीजिए, तो नॉट प्लस अगली इज इक्वल टू ब्यूटीफुल, नॉट प्लस अगली इज इक्वल टू ब्यूटीफुल हो गया, ये है इसका तरीका, ठीक है, वेरी नाइस। तो क्या बना, सीता इज नॉट
And I believe God. सिफाइज नॉट एन अगली गर्ल, सीता एक बद्दी लड़की नहीं है, और बद्दी नहीं है बिल्कुल से सुंदर है। ये है इसका मीनिंग जो अपना टॉपिक कहना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ओके चलिए आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या होता है। देखो अब से पहले हम आपको टेंस स्टडी करवाते हैं। टेंस में हम ऐसा करते हैं कि भाई ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव, इसे वह खाना खाता है, वह खाना नहीं खाता है, नेगेटिव में चेंज हो गया। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है जो ऐसे चेंज होती है। मीनिंग शुड बी सेम, मीनिंग सेम होना कंपल्सरी है। लिख दीजिए इसको, सेकंड एग्जांपल लेता हूं, इसका सेकंड एग्जांपल लेता हूं। सेकंड एग्जांपल देखिए, मैं आपको ऊपर लिखता हूं, ही लव्स ड्रिंकिंग, ही लव्स ड्रिंकिंग, यूज द पॉइंट एंड चेंज, पॉइंट इज दिस, नॉट बिफोर ऑपोजिट, नॉट बिफोर ऑपोजिट, क्या बना, ही लव्स डज नॉट लव्स हेट ड्रिंकिंग। क्लियर, देखो ही लव्स ड्रिंकिंग, दिस इज क्लियर मीनिंग, क्यों ड्रिंकिंग पसंद करता है। बट यहां देखिए नेगेटिव भी यूज कर लिया और पसंद भी नहीं छोड़ दिया। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वो ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता है, ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता है, मीन उसे एक्सेप्टेंस हो गई, स्वीकृति हो गई। ओके सपोज दैट, टेक एन एग्जांपल, इजी एग्जांपल, व्हेन यू गो टू हेलो क्लास, देयर इज अ रिक्वेस्ट टू कंप्लीट टेंसेस बिफोर दिस। टोटल पार्टिसिपेंट्स, आर यू एग्री विद दिस सजेशन दैट वी शुड स्टडी टेंस फर्स्ट, टेंस कंप्लीट टेंस हमें स्टडी करनी चाहिए। क्या आप सभी लोग इससे सहमत हो? गिव योर रिव्यू, कंप्लीट टेंस स्टडी होने चाहिए एक बार, टेंस टोटल रिव्यू दे दीजिए अपना, जितने भी हो आप, इसके लिए विजिबिलिटी जरूरी नहीं है, रिव्यू दे दीजिए अपने कि टेंस, बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बताऊं उसका, बट टेंस रिपीट होने चाहिए, कंप्लीट टेंस आपको पढ़ाए जाए एक बार, या फिर जो पॉइंट चल रहा है उसको एज इज रखें। चलिए बाय नेम मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे दिस इज फ्रॉम गोविंद, ये जो सजेशन है गोविंद से है, आप सभी लोगों को बताना है, तो अपना पॉइंट दे दीजिए भाई, रिपीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस तो मुझे ये बात को मानो, या ऑफलाइन क्लास होगी तब देख लेंगे स्टार्टिंग में, कोई रिव्यू नहीं आ रहा है आप लोगों का, चलते हैं आगे। भाई मेरे अकॉर्डिंग मानता हूं कि शायद आपने बात को नहीं समझा है, आपने बात को समझा ही नहीं है सर। कहने का अर्थ ये है कि गोविंद भैया ये कह रहे हैं कि टेंस एक बार स्टडी करवा दो, और क्लास कुछ भी नहीं कह रही है कि टेंस को स्टडी करवा दिया जाए या टॉपिक चल रहा है उसको चलने दिया जाए, और बहुत बड़ी संख्या नहीं है। ओके ओनली 10
स्टूडेंट मेरे सामने अपीयर हो, ठीक है, चलते हैं ऑफलाइन क्लास में टेस्ट को स्टडी करेंगे, आप ऐसे ही चलिए अभी जो चल रहा है इसको, ठीक है, रिव्यू आ चुके हैं मेरे पास, ऐसे मान लेता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल, देखिए, आई वॉच डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर, देखिए, आई वॉच डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर, चलिए फॉर दिस मैसेज आंसर ऑफ द मैसेज चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई वॉच डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर, रूल क्या अपना डाउटफुल को पहले ऑपोजिट करिए एंड यूज नॉट बिफोर दिस ऑपोजिट, ये हमारा पॉइंट है, ओके चलिए तो क्या बना, अब तो हो गया होगा, देखिए आई वॉच नॉट डाउटफुल ऑपोजिट श्योर वेदर ही वेंट देयर, नॉट श्योर इज इक्वल टू डाउट, ओके ये अपना पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद में इजी हो जाए, कैसे करते हैं नेगेटिव में, वो देखिए
मोहन से स्टार्ट करेंगे, मोहन इज नॉट एज वाइज एज राम, मोहन इज नॉट एज वाइज एज राम, और एज के बजाय यहां पे शो यूज करेंगे तो बेटर रहेगा नोट के साथ में, शो एज, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, डिग्री का यूज किया हमने, कंपैरेटिव डिग्री इसमें है, कंपैरेटिव डिग्री से हमने पॉजिटिव डिग्री बना दी, तो मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, बोल के देखेंगे हिंदी में, हाँ दोनों सही है, बट बता दूं मैं आपको, शो एज भी इसी का है, तो नेगेटिव के साथ में सो को यूज करते हैं और पॉजिटिव में मोस्टली एज एज को यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको मैंने सो लिखा है, दोनों सेम है बट सो को मोस्टली नेगेटिव में यूज कर लेते हैं, ध्यान देंगे, राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से बुद्धिमान है, राम मोहन से बुद्धिमान है, तो मोहन से ज्यादा हो गया ना राम, राम मोहन से बुद्धिमान है, मोहन जितना है उससे ज्यादा राम है, तो दूसरा देखिए, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम है, तो नेगेटिव मीनिंग दे दिया, बात वो की हुई, ठीक है, लिख दीजिए इसको, एक एग्जाम्पल और लेके देख ले तो शायद आपको समझ आ जाएगा, योर ब्रदर इज एज वाइज एज राम, योर ब्रदर इज एज वाइज एज, सॉरी राम को लेंगे हम, यू ध्यान दे सके लोग एक बार बाद में देखेंगे, यहां पे अपने वाइजर और देन कंपैरेटिव डिग्री थी, यहां पे क्या यूज किया है एज एज, पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री वाला क्या होता है, दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, कम या ज्यादा कोई नहीं है, तो लास्ट वाले जिससे कंपेयर किया गया है आपके भाई को कंपेयर किया गया आपसे, तो यहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यू से स्टार्ट करिए सेंटेंस को, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, यू आर नॉट wiser than your brother, wiser than Kolojitram, समझे इसको अच्छी तरह से, दोनों सहने देखिए, पहले इसको देखो, इसमें नेगेटिव नहीं आया, इसमें नोट यूज कर लिया है, इसमें नेगेटिव नहीं आया तो यहाँ पे नोट यूज कर लिया है, हिंदी मीनिंग करके देखिए, देखो योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितने तुम, उतना बुद्धिमान है जितने तुम, सेम हो गए दोनों, सेम हो गए, अब नीचे देखिए, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, तुम अपने भाई से बुद्धिमान नहीं हो, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, ओके, तो बोथ सेंटेंसेस आर इक्वल बट नॉट सोच द नेगेटिव मीनिंग, बट
Therefore, meaning of the sentence, complete meaning of the sentence is same. बोल के देख लेंगे बात सभी लोग कि तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितने कि तुम हो. अब तुमसे बोले तो तुम अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो. भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं, इक्वल है सभी. ये है चेंजमेंट. अब बात बता दूं मैं आपको, वायदा किसके माइंड में आया कि सर ये चेंजमेंट क्यों जरूरी है, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं हम? तो बात वही है कि जब हम किसी बात को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, कोई आइडिया जब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कहीं पे स्पीच कर रहे हैं हम, कहीं पे अपना व्यू हम दे रहे हैं कोई पॉइंट के ऊपर, तो सेंटेंस हमें बहुत ज्यादा सेंटेंस चाहिए. और उसी के लिए हमें टोटल जो टेक्स्ट है, जितने भी गतिविधियां हैं, जितने भी रूलिंग है, वो सारे आए तो मर्जी है जैसे हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसे मर्जी है सेंटेंस डाल दें, गलतियां ना हो हमसे, तो चेक करेंगे तो भी अच्छा. प्लस में अवर स्पीच और अवर टेक्स्ट विल बी सो इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव. अगर ऐसे लेंगे तो हमने जो लिखा है बोला है वो बहुत ही इफेक्टिव होगा और दुनिया उसको माने भी नहीं, क्या बोलता है यार, क्या लिखता है. बस उसी के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है. ये सेकंड पॉइंट था, डिग्री को यूज करके हम ये हमारा सेकंड पॉइंट था. फर्स्ट पॉइंट था नेगेटिव वाला, नॉट प्लस ऑपोजिट. सेकंड पॉइंट था डिग्री में चेंजमेंट करके. थर्ड पॉइंट देखिए अपना, बिल्कुल इजी है. अगर एक बार आप लोग अंडरस्टैंड करोगे और इंटरेस्ट रखोगे तो और भी इजी हो जाएगी. देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इफ थर्ड पॉइंट इफ देयर इज अलोन एंड ओनली इन एनी सेंटेंस. अलोन एंड ओनली अगर किसी सेंटेंस में हो तो दीज टू वर्ड्स रिप्लेस बाय नन बट. नन बट तो दोनों के दोनों वर्ड नन बट से रिप्लेस हो जाते हैं. ठीक है, नन बट से रिप्लेस हो जाते हैं दोनों के दोनों वर्ड, और सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना नेगेशन हमें दिखना शुरू हो जाता है. एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एक. सोहन अलोन गोट द प्राइज. सोहन अलोन गोट द प्राइज. ओके, रूल स्टडी किया है अलोन को रिप्लेस करेंगे और सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे नन बट. सोहन गोट द प्राइज. नन बट सोहन गोट द प्राइज. Now, in Hindi, Hindi देखिए, सोहन अकेले ने इनाम प्राप्त की. सोहन अकेले ने इनाम प्राप्त की. प्राइज किसको मिला? अकेले सोहन को. नीचे देखिए, नन बट सोहन, और किसी को नहीं, केवल सोहन को इनाम मिली. और किसी को नहीं, केवल नन बट, और किसी को नहीं, सोहन को इनाम मिली. तो मीनिंग सेम है और नोट दिखना शुरू हो गया है. ओके, टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज फॉर यू. ओके, दिस इज फॉर यू. आई एम राइटिंग हियर ओनली ओनली अ फूल
according to this rule, according to this example. Example ko use kariye, rule ko use kariye.
ओके आज इतना स्टडी करेंगे आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट क्लास हैव अ नाइस डे